मुनिमान तस्मि नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब एक बार हाथ उठा कर बोला बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरु पाद पद्म मितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को भी यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुजल ले रूप लेकर के प्रभु प्रकट हुए हैं। आज हम लोग सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कैसे जन्म हुए। अगर सारा दुनिया को जो लोग भागवत ग्रंथ पढ़ते हैं अगर सबको पूछे हम लोग बताओ तो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए कौन बोलेगा हाथ उठा बोलो कृष्ण कहाँ पर जन्म हुए बोलो जोर से कहाँ पर जन्म हुए। हाँ अगर साधारण लोगों को पूछेंगे ना सारा दुनिया यही बोलेंगे कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुए वो जन्म नहीं हुए कृष्ण प्रकट हुए हैं। लेकिन जन्म कहाँ पर हुए कहते गोकुल में नंद के लाला बन करके प्रभु जन्म हुए इसलिए कहते ना नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। कोई क्या कहते वसुदेव का आनंद भयो दुनिया कहते नंद के आनंद भयो क्योंकि कृष्ण मथुरा में तो प्रकट हुए हैं। बोले भैया प्रकट और जन्म में क्या भेद है ये चीज को अच्छे तरह से समझो। कहते जैसे भगवान मथुरा में कृष्ण चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया शंख चक्र गदा पद्म रूप में जब प्रकट हुए क्या बच्चा कोई चतुर्भुज रूप में 15-16 साल के कोई बच्चा जन्म लेता है बच्चा कैसे होता है छोटा सा नन्ना मुन्ना होता है। लेकिन उन्होंने चमकीले चमकीले कपड़े घुंघराली केस शंख चक्र पद्म लेकर के प्रभु प्रकट हुए। जब देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैं बालक रूप में पाने के लिए तपस्या की थी अभी ये चार हाथ लेकर कैसे आप प्रकट हुए हो। बोले देखो अभी मैं छोटा बच्चा बन जाऊंगा और मेरे को लेकर गोकुल में छोड़ाना और वहां पर एक बेटी जन्म होगी उसको ले आना और वहां मेरे को रख लेना। इसलिए ये कृष्ण ये बात को बताए इतने में कृष्ण जो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे ना इतने में कृष्ण झट एक छोटा बच्चा बन गया और बच्चे बनकर रोना शुरू कर दिया। कैसे जो चतुर्भुज रूप में दर्शन दे और छोटा बच्चा बन जाए नहीं यहाँ पर भगवान प्रकट हुए हैं कृष्ण जन्म नहीं हुए। जन्म कैसे होते हैं आप लोग बच्चे जन्म दिए हो आप लोग सबके सब बच्चे जन्म दिए होंगे। देखना मैया की पेट से बच्चा जन्म लेता है और लेने के बाद उनको नाड़ी काटी जाती है काटते कि नहीं नाड़ी को छेदन करते कि नहीं। लेकिन मथुरा में क्या उनकी नाड़ी छेदन हुई है नहीं हुई केवल उन्होंने प्रकट हुई। लेकिन उनका नाड़ी छेदन कहाँ पर हुई कहते गोकुल में हुए हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो भक्त हैं कहते उन लोगों ने इस बात भागवत में बताए
कृष्ण मथुरा में प्रकट और गोकुल में जन्म कैसे हुए, मतलब कहाँ कहाँ।